अगर आप वंडर सिर्फ फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं और आपको उसके लिए बहुत ही परेशानी में है, यानी आप सोच रहे हैं हाउ टू रिमूव वंडर सिर्फ फिल्मोरा का जो वाटरमार्क है आप कैसे हटाए, इसके लिए बहुत चिंतित है, तो आज का वीडियो ज़रूर आपके लिए। तो कैसे आप इसको रिमूव कर सकते हैं इजीली, वो भी किसी तरह से, आपको प्रीमियम देना नहीं है, आपको कोई भी प्रीमियम देना नहीं है, आप विदाउट प्रीमियम कैसे इस वाटरमार्क को आप इजीली हटा सकते हैं। तो चलिए, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान, यानी आप सभी को मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। यानी आप कैसे इसको रिमूव करें, यानी वाटरमार्क को, मैं इसके लिए आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे और आप कर भी नहीं पाएंगे। तो चलिए, और प्लीज़ जो जो अभी मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो आपका बेल आइकन है उसे अलाउ कर दीजिए, क्योंकि मैं रोजाना आप सभी के लिए इस तरह का वीडियो डालते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अपना कंप्यूटर में जो फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल करके रखा हो, तो देखिए मैं जब भी एक वीडियो, एक नॉर्मल वीडियो मैं इसमें देखिए लाकर इसको एक्सपोर्ट, जब भी एक्सपोर्ट करता हूँ तो एक्सपोर्ट करने के टाइम पे देखिए वाटरमार्क आ जा रहा है। मैं आपको डिटेल से दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें देखिए दिखाएगा वाटरमार्क आ रहा है। तो इसके लिए फिर आपको करना पड़ेगा वेटिंग, क्योंकि इसमें अब कन्वर्टिंग जो सिस्टम से वो स्टार्ट होने में क्या करना चाहिए और किस से, किस तरह से आपका जो सिस्टम है उसको बंद करना चाहिए, यानी वाटरमार्क को हटाना चाहिए। तो इसका डिटेल्स मैं स्टेप बाई स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपका जो माय कंप्यूटर है उसको ओपन करना है। करने के बाद आपको जो लोकल डिस्क सी है आपको उसमें ओपन जाना है। उसके बाद आपको जो विंडोज सिस्टम्स है उसमें जाना है। जाने के बाद आपका जो सिस्टम 32 है उसमें चले जाना है। देखिए इसमें आने के बाद आपको जो ड्राइवर सिस्टम्स है उसमें आपको ड्राइवर में जाना है। सीधे आपको पहले ड्राइवर जो है उसमें जाना है। तो देखिए मैं इसमें ड्राइवर जो है उसमें जाने के बाद आपको इसमें एक ETC फाइल मिल जाएगा। देखिए इस ETC इसमें जाना, जाने के बाद देखिए एक हॉर्स फाइल है। तो आपको करना क्या है, आपको इस हॉर्स फाइल को आपको इसमें मूव कर लेना है डेस्कटॉप में। देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, तो देखिए मेरा जो फाइल है मूव हो चुका है। होने के बाद आपको करना क्या है, इसमें जो हॉर्स है इसमें आप डबल क्लिक करेंगे और आप नोटपैड पे आप नोटपैड पे इसको ओपन कर लेंगे। देखिए करने के बाद आपका फाइल इस सिस्टम में आ जाएगा। तभी आपको करना क्या है, यही है टॉपिक एंड ट्रिक्स, इससे इसमें आप ध्यान दीजिएगा कैसे आपको करना है। तो देखिए मेरा एक फाइल है, मैं ओपन मेरा पहले से जो है उसमें लॉगिन करके रखा हूँ देखिए, और इसमें मैं फिल्मोरा जो का मेरा एक्टिवेशन कोड है उसमें मैं रखा हूँ एक फाइल, ठीक है ऐसा फाइल। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे इसमें 3 स्टेप, यानी आपको सीधे आपको जो इसमें देखिए आपका जो हॉट्स फाइल है इसमें आपको नीचे टैप एंटर करके आना है। ठीक है, आने के बाद आपको इसमें जितना भी देखिए 192, यानी आपका जो URL है इसमें आपका wondersea.com है, इतना आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसमें आपको आके इसमें पेस्ट कर देना है, हॉस्ट फाइल जो है आपको उसमें पेस्ट करना है। करने के बाद आप इजीली उस फाइल को करेंगे सेव। देखिए इसमें इस तरह से आप सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आप फाइल को करेंगे क्लोज, और मैं इसको भी करता हूँ मिनिमाइज। तो देखिए हॉस्ट फाइल जो है आप जिस जहाँ से आप मूव किए थे आप उसी जगह पे आप मूव कर लीजिएगा। आप मूव कर लीजिएगा, मूव करने के बाद तो आपका जो कॉपी करने के बाद आपको इसके इसको करना है क्लोज, और आपका जो सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेना है। करने के बाद देखिए इसमें रजिस्टर ऑप्शन दिखा रहा है, आपको रजिस्टर में जाना है और रजिस्टर में क्लिक कर लेना है। कर लेने के बाद देखिए इसमें लाइसेंस ईमेल
तो आपको इसमें देखिए मेरा जो खुला हुआ था, देखिए लाइसेंस ईमेल आपको इसके में कॉपी करना है। देखिए कॉपी करने के बाद इसमें आपको पेस्ट करना है, और आपका इसमें जैसा है रजिस्ट्रेशन कोड, आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कोड जो है आप इसमें इसको कॉपी कीजिए और इसमें पेस्ट कीजिए और रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। देखिए अभी क्या होता है, प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल, प्लीज दिस रजिस्ट्रेशन कोड इज बैंडेड, प्लीज कॉन्टेक्ट इज योर एनी क्वेश्चन। मगर इसलिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है क्योंकि इसका जो आईडी है पहले से मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ इस साइट में, यानी सॉफ्टवेयर्स में, इसलिए ऐसा लिखा है। इसलिए मैं दूसरा जो लाइसेंस है उसको मैं यूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि पहले से इसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, इसलिए ऐसा ऑप्शन खुल के आ रहा है। तो आपसे अगर आप आपका मगर आप अगर वाटरमार्क आता है आपका में यहाँ आपका सॉफ्टवेयर में, तो आप इसको यूज़ कीजिएगा, इजीली आपका काम हो जाएगा। 100% जेन्युइन बोल रहा हूँ मैं, आपका काम हो जाएगा जेन्युइन। देखिए जैसे मैं दूसरा अभी कोड यूज़ किया, इसमें बोल रहा है वंडरफुली फील बोल रहा हैज बीन रजिस्टर्ड, ठीक है हो गया। तो इस तरह से आप कर लेंगे तो आपका काम इजीली बन जाएगा। तो अगर वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक करना, और प्लीज़ प्लीज़ अगर आप इससे कोई आपको काम नहीं आया वीडियो तो प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ 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 उसको भी अलाउ कर देना, क्योंकि मैं रोजाना आप सभी के लिए इस तरह का वीडियो डाल देता हूँ। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलता है अगला वीडियो में, बाय बाय।